नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ एक नई कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष हालाबाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नीड का निर्माण फिर नामक कविता का सस्वर वाचन, सारांश या मूल भाव, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य तथा उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपको याद दिला दूं कि इस कविता का शीर्षक कहीं कहीं पर आपको निर्माण मिलेगा, परंतु दोनों शीर्षक एक ही कविता है। यही नहीं, मैं आपको बतला दूं कि इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग यानी पार्ट वन में मैं केवल हालाबाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित नीड का निर्माण फिर नामक कविता का सस्वर वाचन के साथ साथ सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जबकि दूसरे भाग यानी पार्ट टू में मैं केवल हालाबादी कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित नीड का निर्माण फिर नामक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह भी बतला दूं कि इसके पहले वीडियो में मैंने हालाबाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य परिचय, उनके द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई नामक कविता पर वीडियो बनाते वक्त दे दिया गया है। मेरे विचार से यहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे उनका परिचय वहीं से प्राप्त कर लें, साथ ही साथ यदि वे आवश्यकता महसूस करें तो जो बीत गई सो बात गई नामक कविता की पूरी जानकारी भी इस वीडियो से ले सकते हैं। तो आइए अब मैं सर्वप्रथम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित नीड का निर्माण फिर नामक कविता का सस्वर वाचन के साथ साथ कविता का सारांश या मूल भाव तथा उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए अब मैं हालाबाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित नीड का निर्माण फिर या निर्माण नामक कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत करता हूं। नीड का निर्माण फिर हालाबाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जीवन दर्शन पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनके सतरंगिनी नामक काव्य से उद्धृत है। इस कविता में कवि के आस्थावादी प्रकृति के दर्शन होते हैं। इस कविता की रचना उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद की गई थी। दुख एवं विषाद की सघन घटाओं के बीच कवि को प्रकाश की किरण दिखलाई दी थी और वह फिर गा उठा नीड का निर्माण फिर नीड का निर्माण फिर सृष्टि का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की
मोहिनी मुस्कान, फिर निर का निर्माण, फिर सृष्टि का आह्वान, फिर वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से भी निर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान। फिर निर्ण का निर्माण, फिर सृष्टि का आह्वान, फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनामय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन उनचास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान। फिर निर्ण का निर्माण, फिर सृष्टि का आह्वान, फिर आइए अब मैं हालावाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित निर्ण का निर्माण फिर नामक कविता का सारांश या मूल भाव प्रस्तुत करता हूं। निर्ण का निर्माण फिर नामक कविता का सारांश या मूल भाव। निर्ण का निर्माण फिर हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना सतरंगिनी नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। यह कविता उनके उत्कृष्ट जीवन दर्शन का एक सुंदर उदाहरण है। इस कविता में कवि के आस्थावादी प्रकृति के दर्शन होते हैं। इस कविता की रचना उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद की गई थी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यहां यह कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में अगर दुख व मुसीबत के बादल मंडराए तो वह उससे घबराकर अपना जीवन निराशामय नहीं बनाना चाहिए, अपितु उत्साह पूर्वक और पूरी लगन के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति में अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहिए। इस तथ्य को व्यक्त करने के लिए कवि ने एक चिड़िया के घोंसले का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसा कि एक चिड़िया अपने पूरे परिश्रम के साथ तिनका बटोर कर अपने घोंसले का निर्माण करती है, परंतु प्रकृति के प्रकोप के सामने किसी का कुछ नहीं ठहरता है, अर्थात भयंकर आंधी व तूफान में वह टूट फूट जाता है, बिखर जाता है। चिड़िया फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती है और वह पुनः तिनकों को इकट्ठा करने में लग जाती है और पूरी तन्मयता के साथ घोंसले का निर्माण करने में लग जाती है। इसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार दुखों की आंधी आई थी, इनको आशा रूपी पक्षी ने आकर जीने की नई चाह पैदा कर दी। इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश दे रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी अक्सर बड़ी बड़ी मुसीबतें आती रहती है, उसे एक चिड़िया के समान हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक काली घटा रूपी रात के पश्चात नया दिन आशा रूपी सूर्य किरण के साथ दिखलाई देता है। अतः मनुष्य को ईश्वर पर आस्था रखते हुए पूरे तन मन व पूरे उत्साह से अपने जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आइए अब मैं हालावाद के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित निर्ण का निर्माण फिर नामक कविता का उद्देश्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। निर्ण का निर्माण फिर हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता
उनकी प्रसिद्ध रचना तथा अमर काव्य कृति सतरंगिनी नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने अपने आशावादी दृष्टिकोण को प्रकट किया है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है कि सुख और दुख इस संसार के दो अनिवार्य पहलू हैं, नियम हैं। अतः मनुष्य को दुख से निराश होकर स्वयं को असमर्थ या पराजित नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार सृष्टि के विनाश अर्थात नाश के बाद नए सिरे से सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार हर दुख के बाद सुख का आना निश्चित होता है। मनुष्य का जीवन इन्हीं सुख दुख के दो पहलुओं तक सीमित होता है। सुख की सत्ता ही दुख के कारण है। इसीलिए हमें विपत्ति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए और नए सुख की आशा में जीवन का संघर्ष जारी रखना चाहिए। इस तथ्य को व्यक्त करने के लिए कवि ने एक चिड़िया के घोंसले का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एडुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।